मायनी मैं किनु आखा दर्द भी छोड़े दाहाल नी मायनी मैं किनु आखा जुमर ये लें जी आपका चाय का नाश्ता। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। आज ये कुछ और है। हाँ हमारे नाम की आईडी बनाएंगे फिर वहाँ पर कमेंट करेंगे फिर स्क्रीनशॉट मार के दिखा देंगे। तो ये जो कि ये बहुत गलत बात है। चला जी हाजरा भी तैयार होकर आ गई है। हाजरा तैयारी कर ली? अच्छा ओ बैग भी उठा लिया। चलो सही नाश्ता पानी कर लिया। ओके हो गए पैसे भी लेके आ गए। चलो चलो सही है। जैनब को जैनब और बख्तावर जो है तैयारी कर लिया तो वो चाय और पापे खा रही है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज रहे हैं सुबह के व्लॉग में जो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होने वाला है। तो रहना है साथ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स कर दे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनकी बीमारी दूर फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उसकी औलाद नरीना अता फरमाए। और देखते हैं हैदर अली क्या कर रहा है। ये देखें ये खड़ा है हैदर अली। हैदर अली क्या कर रहे हो? हैदर अली बख्तावर ने भी तैयारी कर ली। तैयारी होगी बेटा? अब किस चीज की देर है? अभी चाय पापा। चाय पापा और नूर मोहम्मद भी साथ है। नूर मोहम्मद इधर देखो। नूर मोहम्मद इधर देखो। और इस्लामुद्दीन, इस्लामुद्दीन आपने तैयारी नहीं की अभी? आप जल्दी जल्दी तैयारी कर लो जब तक मैं दूध बनाती हूँ। ठीक है। हाँ आपका जूता कहाँ है? वो चारपाई के नीचे पड़ा है वो देख। और हैदर अली जो है देख रहा है। स्कूल जाना है हैदर अली? स्कूल जाना है। पैसे दूं? पैसे दूं? ओए सदीके पैसे चाहिए। हैदर अली क्या लेनी है? हैदर इधर देखो ये पकड़ो। क्या लेनी है? वो देख मुझे दे मुझे दे मुझे ये देखें। हैदर अली ये ले। क्या लेनी है? चाय। क्या लेनी है इधर को? चाय लेनी है। चलो दो बिस्किट और 20 के पापे ले आना जल्दी जल्दी। ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो वहाँ पर लगाते हैं झाड़ू और फिर बर्तन भी धोते हैं फिर दूध बनाएंगे तो बच्चों को देंगे स्कूल के लिए। लेट हो रही है। तो अभी जी मैं यहाँ से लगा रही हूँ झाड़ू। सारा झाड़ू लगाऊंगी। किक्कर के पत्ते पड़े हैं सारे। अभी जी मम्मा दूध बना रही है। हाँ अभी जी मम्मा मिक्स कर रही है। हाँ अभी जल्दी जल्दी जो मिक्स कर रही हूँ। आपको लेट हो रही है स्कूल की। ये देखो हमारा दूध जो है वो मिक्स हो गया है। और इस्लामुद्दीन और नूरमान जो है ना वो क्या अपना कर लिया कप उठा लिया। हाँ जी मेरा तैयारी होगी। हाँ जी। और जैनब की भी तैयारी हो गई। हाँ जी। कितने बजे स्कूल लगता है? साढ़े आठ बजे। साढ़े आठ बजे? साढ़े आठ नहीं अकेला आठ पूरे आठ। अब क्या टाइम है? अब तो 7:38 हो गए हैं। अच्छा तो ये मोबाइल क्यों उठाया हुआ है? ये व्लॉग बना रहा हूं। व्लॉग बना रहे हो? ये भी साथ लेकर जाओगे? नहीं अपनी मम्मा को रास्ते में बना कर फिर अपनी मम्मा को दे दोगे? चलो सही है। आपने जो स्कूल की गाइड थी वो ले ली? अच्छा आज बख्तावा के भी ले आएंगे।
अम्मी जाएगी और सामान वगैरह ले आएगी। वाली अच्छा, हाँ ये वाली चाहिए होती है। चलो सही है, आज हम बख्तावर के पापा जाएंगे शहर, फिर वो ले आएंगे। ठीक है बख्तावर। हाँ तो अब जल्द मिल जाती है। आतिफ का घर है ना, उसके आगे एक दुकान है, वहाँ से भी मिल जाती है। चलो यहीं से पता करेंगे, अगर मिल जाएगी तो यहीं से ले लेंगे, अगर नहीं मिली यहाँ पर तो फिर तो खानपुर से लेंगे। फरहान कह रहा था यहाँ पे एक किताबें की दुकान है, वो सब चीजें होती है। हाँ चलो इंशाल्लाह यहीं पर मिल जाएगी। जी तो प्यारे बहन भाइयों, अभी जो मैं लगा रही हूँ मशीन, वो देखें वो कपड़े भी मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, कल के करके रखे हैं। कल जो है कुछ हाथ पे धोए थे क्योंकि लाइट ने बहुत तंग किया था, तो कुछ हाथ पर धोए थे, तो अभी जो है लाइट खड़ी है तो मैंने सोचा चलो अभी जो है मशीन लगा दूँ। तो अभी जल्दी जल्दी मशीन लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये सारे कपड़े, ये और वो वाले, ये कल मैंने हाथ पर धोए थे तो अभी जो है ये मशीन लगा कर तो मशीन में डालते हैं। मोटर जो है मैंने चला दिया है तो अभी मशीन को अच्छी तरीके धोते हैं। सारी मिट्टी है, जो है मैंने भर लिया मशीन में, तो अभी डालते हैं इसमें सर्फ। सीधा पकड़ लूं, सर्फ भी मैंने डाल दिया है। अभी इनका लगाते हैं स्विच। ये देखें मशीन जो है मैंने चला दिया, तो अभी इसमें कपड़े डालते हैं। ये रहे हमारे सारे कपड़े। कपड़े जो है हमारे डाल चुके हैं, तो अभी इसका ढक्कन जो है वो बंद करके खड़ा देते हैं, तो अभी ये धुलते रहेंगे, है ना नूर मोहम्मद? जी खड़ा है नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद जो है कुछ बोल रहा है। नूर मोहम्मद क्या बोल रहे हो? शाही के पैसे। हाँ। अच्छा आज ना आप हमें प्यारी प्यारी कोई नात सुनाएं, फिर पैसे दूंगी आपको। ऊंचा बोल। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई नात नहीं आती? और कौन सी नात आती है? ओ वो वाली आती है, ओ आ जाओ आका। हाँ। वो भी सुनाओ। आ जाओ आका हमारे, आ जाओ आका मेरे घर में फेरा पा। आ जाओ आका मेरे घर में फेरा पा, मैं घर सजाया। भूल गए हो? चलो याद करना फिर सुनाना, ठीक है? हाँ तभी जो है मैं आपको पैसे देती हूँ, आप चीज लेकर आए। ये लो पैसे, कितने हैं? 30 नहीं है, ये है 10 रुपए। 10 रुपए के क्या लोगे? इधर इधर आओ, इधर इधर। हाँ अब बताओ क्या लोगे? रस। हाँ। मतलब केक लोगे? हाँ। चलो सही है, आप जाएं केक ले आएं, और फिर हैदर अली को भी देना है, ठीक है? हाँ हैदर अली आपने बिस्किट नहीं खाया? ये देखें हैदर अली ने बिस्कुट जो है नीचे गिरा दिया है, ये ले।
नहीं खाना? इधर देखो हैदर अली, अभी नाराज हो गए हो। तो ये देखें जी, बादल भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो आज ऐसे लगता है जैसे बारिश आएगी और हवा भी चल रही है। ये देखें बहुत ही प्यारा और ठंडा मौसम बना हुआ है आज। तो प्यारा बहन भाइयों, अभी जो है मैं गूंदने लगी हूँ आटा। ये देखिए ये आटा भी रखा हुआ है और पानी भी मैंने भर लिया है। तो आटा गूंद के फिर जो है आपको दिखाऊंगी। जो है चाय बनाने लगी हूँ। ये देखिए ये पानी पत्ती और दूध और चीनी इलाच चाय सब डाल दिया है। तो अभी चूल्हा जलाते हैं तो फिर चाय बनाते हैं। और ये देखें दूध भी मैंने फ्रिज में से उठा लिया है। हमारा चूल्हा भी जो है जल चुका है। ये देखें अभी जी मैं डालने लगी हूँ दूध। ये देखें इस चाय जो है हो गई है तैयार। ये देखें तो अभी इसे कप में डालते हैं। जो है मैंने कप में डाल दिया है और केक भी साथ रख दिया है। तो अभी चलते हैं असलम खान को देते हैं और फिर उनसे गपशप भी लगाते हैं। तो ये देखें जी ये बैठे हैं असलम खान। ये लें जी आपका चाय का नाश्ता। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, आज ये कुछ और है। हाँ आज केक ले आए हैं। ये तो बड़े मजेदार होते हैं। हाँ जी है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं? ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। और हमारा चैनल ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, हकीकत अल्लाह जानता है। ये खिलाफ वीडियो बनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, बस ऐसे ही अंदाजे वगैरह लगा लेते हैं और ख़ुद से ही आईडियाँ गलत बना, हमारे नाम की आईडी बनाएंगे फिर वहाँ पर कमेंट करेंगे, फिर स्क्रीन शॉट मार के दिखा देंगे। तो ये जो कि ये बहुत गलत बात है। अगर कोई आईडी का अगर आपने मालूम करना है तो जो भी कमेंट होता है, मतलब उनकी वीडियो पर हो या चाहे किसी की वीडियो पर हो, हमारी पिक्चर पर ओके करेंगे ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे वीडियोस भी आ जाएंगे और सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे। मैन होते हैं सब्सक्राइबर, क्योंकि हमारे जो हैं अब 26,000 होने वाले हैं। अगर इतने सब्सक्राइबर उस आईडी पे नज़र आ रहे हैं और हमारी वीडियोस लगी हुई हैं तो हम कसूरवार हैं। अगर वहां पर कुछ भी नहीं है, गलत आईडी है, तो उस पर आप ध्यान ना दें। ना ही आप किसी को गाली देते हैं, ना ही किसी को कमेंट ऐसा बुरा करते हैं। और हमारी तो मतलब नसीहत ही ऐसी है, परवरिश ही ऐसी है कि दुआएं ही देते रहते हैं हर किसी को। तो बराए मेहरबानी आप तवज्जो करें, जो भी आपको गाली दे रहा है हमारी नाम की आईडी है या किसी और के नाम की, आप आईडी चेक कर लिया करें। जब उस तस्वीर को ओके करेंगे तो आईडी ओपन हो जाएगी, तो आपको मालूम हो जाएगा ये असल है या डुप्लीकेट है। बस यही बात करनी थी, बाकी सब कुछ आपने करना है, क्योंकि सारा दिन YouTube पर आप ही रहते हैं। हम तो बस वीडियो बनाने में कभी कभी लग जाते हैं, फिर जब चेक करते हैं कमेंट्स तो बहुत सारी गालियां आई हुई होती हैं। तो अल्लाह पाक हिदायत दे उनको, गालियां ना दें। अगर आपने रस खाने हैं चाय के साथ तो मौसम भी माशाल्लाह बेहतरीन है और खाने का मज़ा आने वाला है। हाँ जी ये देखें गोले को घूम रहा है, इतनी स्पीड से घूम रहा है, चक्कर आ जाएगा गोला। घूमो नहीं, इधर देखो, इधर देखो, झूमर वाजी वाह, झूमर भी लगाते हो। हंस रहे हो माँ।
किन्नु आखां दर्द भी छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नु आखां दर्द भी छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नु दुखां दी रोटी सूलां दा सालन दुखां दी रोटी सूलां दा सालन आहे दा बालन बालनी दर्द भी छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किन्नु आखां। जब भी मैं ये कलाम सुनता हूँ ना तो मतलब समझे के मेरी आंखों में सो आंसू टपकने लग जाते बहुत ज्यादा। चलें जी दुआ किया करें हर किसी के लिए, अल्लाह पाक हर किसी को खुश रखे आबाद रखे और बीमारों को शिफा दे और ये औलाद जो है अल्लाह पाक उनको औलाद दे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना चाय जो है ये पहले दूध ना डाला करें, दूध आखिर में डाला करें, बाकी चीजें सब जो है ना उबाल के अच्छी तरह डाला करें। ये ना ये यूके से सिस्टर बता रही थी कि साहिबा को बोलो कि ऐसे चाय बनाया करे, सही है? हाँ जी। और आज जो है कोई आज तो जुमा है और मुझे काम बहुत सारे हैं, मैंने काफी दूर जाना है। हाँ जी। तो देखते हैं कोई हिसाब किताब लगा के फिर कोई अच्छा सा खाना बनाएंगे। हाँ फिर सबको खिलाएंगे जी। फिर जो है ना दुआएं भी कराएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सबके लिए दुआएं कराएंगे। काफी बहन भाइयों ने हमें बोल रखा है कि हमारे लिए दुआ करें, तो बच्चों से भी उनके लिए दुआ करवाएंगे और खुद भी इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे उनके लिए। हाँ जी। तो आजकल कुछ फन नहीं मिल रहा, मतलब हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं, तो अभी फिलहाल जो है आप हमारी वीडियोस को बर्दाश्त किया करें, मतलब देखा करें। हाँ। तो जब भी हालात कुछ बेहतर होते हैं, अम्मी की तबीयत खराब है, मुखलिस भाई की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अम्मी की बहुत ज्यादा खराब है, कल जो है उनको भी शहर लेकर गए थे तो डॉक्टर ने कहा शुगर बहुत है, पता नहीं 300-400 पे शुगर चली गई थी, तो ऐसे ना अम्मी को चक्कर आ रहे थे तो चलने के लिए मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी बनी क्योंकि वो चल भी नहीं सकती थी। तो इसीलिए जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी आपने ज़रूर दुआ करनी है, जब ये सब अल्लाह पाक बेहतर कर देगा इंशाल्लाह ताला तब जो है हम इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाएंगे। अब तो ना हम कहीं जा सकते हैं ना इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हालात आपके सामने हैं, तो बस रिक्वेस्ट यही है आप जो है बर्दाश्त कर लें हमारी वीडियोज़ को जब तक ये हालात जो हैं बेहतर नहीं हो जाते तब तक। तो ठीक हो गया जी, अब मेरी ज़्यादा लंबी तकरीर हो रही है तो हम वजाहत भी करते जाएंगे, मतलब आगे से हम वीडियो बनाएंगे। तो कुछ लोग जो हैं बोलते हैं कि रिएक्शन वाले चैनलों को देखकर हमें बोलते हैं कि आप क्या ऐसा करते हैं, तो ये सब झूठ होता है। इस पर जो है हम इंशाल्लाह सफाइयाँ पेश करते रहेंगे, जो हकीकत होगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं जी। तो वैसे भी हमारी आदत नहीं है कोई चीज़ छुपाने की, जो चीज़ है सामने है, तो लोग बस ऐसे ही आपको पता है जो ऊपर जाता है फिर नीचे से उसकी टांगे खींचने वाले बहुत सारे लोग निकल आते हैं। हालांकि हमारी उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं होती, कोई किस्म का ये मतलब उनके साथ रिलेशन भी नहीं होता, पर ऐसे ही जो है ना लोग बातें करने लग जाते हैं। एक बात है या वो हमें प्रूफ दें, मतलब कोई वीडियो लगाएं प्रूफ दें
कि इन्होंने जो है ना मतलब हमें जो बोल रहे होते हैं हाँ। मतलब हमें जो है ये गालियां दी है इन्होंने या इनके काम अच्छे नहीं हैं या कोई भी मतलब प्रूफ दे सकते हैं ना, मैसेज दिखा दें या कोई ऐसी चीज़ें दिखा दें, हमारी वॉइस सुना दें कि इन्होंने जो है हमें गालियां दी हैं या कॉल सुना दें, तो कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही अपनी तरफ से मन घड़त बातें बना बना के हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आपका भाई असलम खान जो है ये कभी झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा जहन दिया है, और झूठ बोलने का जो सज़ा है वो मुझे पता है कितनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में।